मेले में आए और यहाँ पर तो भाई जी एक सवाल है पूछना चाहेंगे। भाई अपने बारे में बताएंगे जो आपके भाजपा है जो जिस पर आरोप लग रहे हैं काफ़ी आरोप लग रहे हैं जिसकी टिकट ना मिलने पाए और जिस पर महिला सीट है उनको भी टिकट ना मिलेगी तो काम करने वाले जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को पकड़ देती है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को छोड़ देती है। कोई व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, इसकी नहीं कमेटी होती है, सभी विधायक जनप्रतिनिधि और प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय करता है वो अंतिम होता है और सभी उसको मान्य करते हैं। गोहाय परिवार के सदस्य होते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ कर्मयुग के साथ हम लोग उसकी जीत के लिए सदस्य प्रयास कर रहे हैं और झांसी में ऐतिहासिक जीत के लिए हम अच्छा रहे हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। हम अंतिम छोड़ के व्यक्ति को विकास की घड़ी में दौड़ना चाहते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे पेयजल हो स्वच्छता का संदेश हो। हम झांसी को टॉप 10 भारत की 100 सिटी में झांसी को रखे हुए वर्तमान में। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है जो वर्तमान में हमने की है। इसको हमें टॉप 10 से ले जाके हमें टॉप 5 में रानी झांसी को लाना है। ये रानी लक्ष्मीबाई की नगरी है, पूरे विश्व पहचानी जाती है। विकास ऐसा होगा कि झांसी देखने आएंगे, या टूरिस्ट का एक हब बनेगा, व्यापारिक हब बनेगा। झांसी में जो व्यापारिक हब नहीं है वो भी है, उद्योगपति उद्योग ला रहे। बोलो समाधि जो दावेदार ने आपने आरोप लगाए तो बिहार के लिए आर्य के दावेदार ने क्या है आर्य के दावेदार ने आपने आरोप लगाया कि बाहरी लोग हैं क्या इसके बारे में? देखिए मैडम, समाजवादी पार्टी कभी संस्कारिक पार्टी नहीं रही है। पहले तो सम्मान देना सीखे। और हमारे आदरणीय विधायक जी 3 बार के विधायक रहे हैं, 1 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप अनुशासन ही नहीं है जब आप कैसे चुनाव करेंगे? आप अराजकता फैला के चुनाव नहीं जीत सकते, सम्मान से जीत सकते। अगर दल जीतना है तो दल जीतिए। हमारा व्यक्ति बुजुर्ग हो या बच्चा हो, भारतीय जनता पार्टी को योगी जी की सरकार को हमारे मोदी जी की कार्यशैली को पसंद कर रहा है और झांसी में इसका विश्व का एक रिकॉर्ड बनेगा। बुंदेलखंड से इतनी ऐतिहासिक जीत होगी कि जो कहते बाहरी लाल उन लोगों को कहो जब झांसी तुम्हारे लिए बाहरी हो गई तुम जाओ मैदान छोड़ो, हम तो जीत चुके हैं। स्मार्ट सिटी के दावों को लेकर भी कहा जा रहा है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई पिछली पंचवर्षीय में हुई है और अभी भी शायद कागजी कार्रवाई नजर आएगी। अभी तक आप ऐसा एक प्रमाण बता दीजिए कागजी कार्रवाई। झांसी में कितने प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में हुए? आप किले को देख लीजिए, आप यहाँ लक्ष्मी ताल को देख लीजिए, आप रोड पर फ्लैग लाइट देख लीजिए, आप स्टेडियम देख लीजिए। कितने अनगिनत ऐसे काम हुए हैं कि स्मार्ट सिटी आप कागजी कार्रवाई कैसे कह सकते? विपक्ष को आरोप लगा दिए, उनसे पूछिए कि आपने झांसी को क्या दिया? हमने तो अनगिनत हजारों करोड़ों की सामने वो चौकाते झांसी को दिए। जैसे कि हम देख रहे हैं जो जीवन का चौराहा है आज, ईद का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। आपके भाजपा जो लोग हैं काफ़ी लोग भोजन उन्हें करवा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी की बात है, मैंने खुद देखा है। तो क्या कहेंगे आप जो भोजन ईद का पे और जीवन का चुनाव में कराया जा रहा है? ये भाईचारा की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सभी भारत माता की जय, राष्ट्र से बढ़ के कोई होता नहीं है। हम सब एक भाई हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान है, सब आपस में प्रेम के साथ रहें और गुंडों अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। सभी से एक निवेदन करते हैं प्रेम और सद्भाव के, एक दूसरे के धर्मों को नमन करें, बंधन करें, सब धर्मों को ग्रहण करें और सब पंथों को नमन करें। अच्छा, आप कितने दावेदार से बोल सकते हैं बीजेपी के, कितनी सीटें आगे आ सकती हैं? हम तो यही कहेंगे हमारे 60 में 60 बार जीत के आएंगे, हम इतिहास लगेंगे झांसी का। दावे से कह सकते हैं? हम दावे से कह सकते हैं। विपक्ष ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो 30 में उम्मीदवार ही नहीं मिले। समाजवादी पार्टी को 30 को उम्मीदवार नहीं मिले, बीएसपी को 20 उम्मीदवार मिले, कांग्रेस कहीं निशान में नहीं है। हम तो मैदान में है, झांसी में ऐतिहासिक विजय की ओर पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम इस बार निकलेंगे। आम आदमी पार्टी तो गुजरात में सरकार बना रही थी, इसके बाद पता नहीं रहेगी कि ये आम आदमी पार्टी है कहाँ। वो तो हमें तो चुनाव में प्रकट होंगे, चुनाव के बाद भाग जाएंगे। साइकिल भी कह रही है कि हम दौड़ेंगे, तो साइकिल पंचर हो गई है इलेक्शन के पहले, पंचर हो गई है। हम तो भैया सवारों के निकलेंगे। नहीं नहीं, हाथी तो किसी गढ़े की सवारी है तो सवारी तो होना चाहिए, लेकिन सवार वो अब हमारे महापौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा, ऐतिहासिक विजय होगी। हम हर मुसलमान का बंधन कहते हैं देश के लिए है, वो देश के विकास के लिए सोचता है, अच्छी सोच रखता है, भाईचारे ही रखता है, व्यापार रखता है। हम कभी कट्टरपंथी नहीं है, कभी संप्रदायक नहीं है। जो देशद्रोह की बात करता है, जो देश के वो करता है, अराजकता का फैलाता है, अपराधी का किसी का माफिया कोई भी समाज का हो तो सरकार के नजर में गुंडा है, अपराधी है, उसका पतन सरकार में निश्चित है। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।